तेरे पर छोड़ो छोड़ो, मैंने ये एक चीज दिखानी है कि ये जो छिलका है ये अलग होता है, इसको बाजू निकालना है, इस छिलके को निकालना है, और जो अंदर वाला है ना बाजी, ये जो छिलका है ना इसको निकालना है, और छिलके के अंदर वाला जो है ना उसको पीसना है। जैसे इस दिखाएं जरा मुझे, ये छिलका है ना जो इसके अंदर से निकला है वो कौन सा है? ये छिलके पड़े पड़े अंदर लग जाएंगे। ये छिलके के अंदर से निकला है, ये जो जायफल के अंदर से निकला है ये इस तरह से है, इसका गोदा बोलेंगे, इसका गोदा गूदा इसको बोलेंगे, और छिलका इसका दिखाएं, इधर ना रखें मेरे, ये सेंटर वाले यहाँ पे रखें, और ये इसका छिलका है, नहीं छिलका साइड पे कर लें, इसको भी बाद में यूज़ कर लेंगे, और ये इसको आपस पीस दें, ये जो छिलके के अंदर से निकला ना इसको बस पीस दें। जायफल अमूमन खानों में खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है, हम ख़रीद तो लेते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। जायफल का जो ऊपर वाला छिलका होता है वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उसके अंदर जो गूदा सा होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जायफल कुछ इस तरह से होती है, इसको तोड़ कर जो फ्रूट होता है इसके अंदर उसका पाउडर लेना है हमने। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये कमाल का इन्ग्रीडियंट है आपके चेहरे की चमक के लिए। आधा चाय का चम्मच जायफल का ले लें, ये एक दफ़ा आप ख़रीद लें, ये तो हमारी ग्रोसरी में आता है, 2-3 महीने चलता है क्योंकि इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है। विटामिन सी से ये भरपूर होता है, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन के दाग धब्बे दूर करता है, और वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम जब फेशियल करवाने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई ऐसा फेशियल करके देना कि हम चमक जाएं। अब तो फेस पॉलिश की बहुत सी क्रीमें आने लगी हैं मार्केट में, और मार्केट वाली क्रीम कभी भी आपको 20, 30 या 50 रुपये में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा नहीं कि आप घर में बनाएं और ख़ुद भी लगाएं, साथ थोड़ी थोड़ी अपनी बहन, खाला, फूफो, चची सबको लगा दें, वो भी हो जाएंगी और चमक भी जाएंगी। और अगर आपने अपनी सास के चेहरे पे ये स्किन पॉलिश कर दी तो फेस पे तो चमक आएगी ही आएगी, घर में बड़े सुकून की चमक आएगी। इसके अलावा जहनी सुकून के लिए जायफल बहुत अच्छा है, और नींद ना आने में भी ये बहुत अच्छा है। थोड़ी सी नीम गर्म दूध में थोड़ा सा पाउडर डाल के आप इसको पी लें, नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत सुकून की नींद आएगी। ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये एक क्रीम टाइप की बन जाएगी। अब इसमें आपने ड्राई मिल्क ऐड कर देना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी डेरी मिल्क ले सकते हैं, जो भी आपके पास घर में मौजूद हो, लेकिन आपने डिब्बे वाला दूध नहीं लेना, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। आप तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाल दें। स्किन पॉलिश जो होती है ना वो आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, हर चीज़ को वो सही कर देता है। ब्लैक हेड, वाइट हेड, डार्क स्पॉट्स ने भी होते हैं, उनको क्लीन करके स्किन को एक निखार देती है, स्किन में शाइन आने लग जाती है। इसके मैं इसमें बेसन डाल दूंगी, ये आपने 1 चाय का चम्मच लेना है। हम जब फेशियल करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम इसको लगा के मसाज करवाना शुरू कर देते हैं, हम सलोन में जाते हैं मसाज करवाना स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन जब हम कोई घर में क्रीम बनाते हैं, फेशियल की कोई क्रीम बना रहे होते हैं, स्क्रब बना रहे होते हैं, या फेस पॉलिश क्रीम बना रहे होते हैं, तो इसको सबसे पहले लगा लेते हैं फेस पर और नेक पर, लगाकर इसका मसाज स्टार्ट नहीं कर देते। 5 से 6 मिनट इसे फेस पर लगा रहने देते हैं ताकि वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाए। ये तो नेचुरली ऐसा होता है, मतलब ये कुदरती अमल है कि जब भी हम कोई क्रीम या फाउंडेशन अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसमें बेकिंग सोडा डाल दें। तो जो भी चीज़ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो स्किन में कहीं ना कहीं काम आ रही है। बेकिंग सोडा आपने 2 से 3 चुटकी लेनी है। इसके अलावा इसमें दही का पानी डाल दें या थिक वाला दही डाल दें, पानी ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दही आपने इतना लेना है कि ये एक अच्छी क्रीम बन जाए और ऑयल बाहर आ जाता है। जब ये स्किन में जज्ब हो जाए तो आपने अपने हाथों को गीला करना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, खुद ही मसाज करना है सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से। जहाँ जहाँ मसाज करते जाएंगे, जहाँ आपकी डार्क स्किन है वो सही होना शुरू हो जाएगी, जहाँ आपके डार्क अपर लिप्स हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे, ब्लैक हेड, वाइट हेड सही निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। कभी हम अपनी स्किन से दाने सही करने के लिए कुछ लगा रहे होते हैं, तो कभी ज़्यादा ऑयल आने की वजह से कुछ लगा रहे होते हैं, या कभी डार्क स्पॉट्स के लिए कुछ लगा रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को मिला
मिलाकर मैंने एक अच्छी सी स्किन पॉलिश बना दी है आपको। इसको लगाएं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको हाथों पे भी लगा सकते हैं, पांव पे भी लगा सकते हैं। तरीका वही है, 5 से 6 मिनट आपने फेस पे लगा के रखना है और 3 से 4 मिनट का मसाज करना है। गीले हाथों से हाथ जब भी ड्राई होने लगे उसे फिर पानी लगाकर गीला कर लें और हल्का हल्का फेस पे मसाज करें, फिर आप सादे पानी से वॉश कर लें और किसी भी टॉवल या टिश्यू से हल्का हल्का सा साफ करें और फिर देखें अपने चेहरे की चमक। ये ऐसी स्किन पॉलिश है कि उसी वक्त आपको रिजल्ट मिलेगा, 2-3 दिन बाद का रिजल्ट नहीं है, ये उसी वक्त आपको रिजल्ट देगी। आप इसको हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं, फिर देखें आपकी स्किन इतनी शाइनी चमकदार हो जाएगी। आप इसको 2 दिन के गैप से भी लगा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमने कहीं जाना होता है तभी हम अपने फेस को रगड़ना शुरू कर देते हैं, उतनी स्किन की केयर नहीं करते। अपनी स्किन की केयर करते रहना चाहिए। अगर अचानक कहीं फंक्शन पे या पार्टी पर जाना पड़ जाए और वो भी स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ, तो बस फिर हल्की सी क्रीम लगाई और आप रेडी। अपनी स्किन केयर रूटीन बनाएं जिससे आप फ्रेश भी रहेंगे और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। मैं बहुत जल्द आपसे फेस व्हाइटनिंग ड्रिंक भी शेयर करूंगी जिससे आपकी स्किन और भी नीट हो जाएगी, क्योंकि जितनी जरूरत आपकी स्किन को बाहर से होती है उतनी ही अंदर से भी होती है। खैर, आज की वीडियो में मैं डिटेल से नहीं बता सकती, एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और दूसरा जब मैं फेस व्हाइटनिंग ड्रिंक बनाना बताऊंगी तो उसी के साथ कंप्लीट डिटेल भी शेयर करूंगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। इस्त्री हो गया सही तरह किया राबिया बाजी, मेरे कपड़े ना सही तरह इस्त्री किया करें। बस सही तरह सा ऐ चंगा तो बिगाड़ थोड़ी कर ऐ लो, ये मैंने कल पहन के जाना है तो सही तरह इस्त्री कर दे। सारे तारीफ कर सने सूट दी देख राबिया बाजी।